वेलकम बैक टू माय चैनल। हर दिन हम रूम का अंदर बैठ के वीडियो बनाता था, आज रूम का बाहर वीडियो बना रहा है। वीडियो रूम का अंदर इसलिए बनाता था क्योंकि अंदर उतना शोर शराबा बाहर का इको नहीं आ पाता था, लेकिन आज हम बाहर में खुला होके वीडियो बना पा रहा है और इसका कारण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो क्राइसिस चल रहा है उसका चलते ऐसा हो रहा है। एंड आज है डे 24 मार्च एंड मेरा लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था आज से 11 दिन पहले। तो उस दिन से अभी तक 11 दिन हम क्या कर रहे थे एक्चुअली, हम आपको सब डिफाइन करेगा इस वीडियो में। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएगा कि हम कर क्या रहा आखिर। 11 दिन हो चुका है लेकिन कर क्या रहा आखिर। तो इस वीडियो में आपको दिखेगा मेरा डेली लाइफ, उठना, ब्रश करना, बर्तन धोना, फिर ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाहर जाता हुआ दिखेगा। तो ये सब हम धीरे धीरे वीडियोस में बताते जाएगा और आपको वैसे वैसे पता लगते जाएगा। चलिए चलते हैं वीडियो में धीरे धीरे आगे 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 आगे। तो अब कर दिया था क्या? हाँ। हाय गाइस, अभी सुबह आगे से आता है आगे से। अभी हुआ है सुबह का 7:34, अभी जस्ट देखा है। और ये जो कोयल का आवाज है ना, ये सब एक्चुअली जो है ना कोरोना वायरस का इफेक्ट का जो है। नहीं तो सुबह होते 7 बजे तक में तो पूरा यहाँ शोर शराबा शुरू होता है। देखो जैसे यहाँ देखो पूरा खाली है, ये सब ग्राउंड एक्चुअली पूरा बच्चा लोग से भर जाता है। लेकिन पहली बार हम भोपाल में आने का इतना शांत मज़ा आया वाले। और ये देखो मेरा पीछे आम का पेड़, इसका नया पत्ता निकला है। हर बुरा दिन के बाद अच्छा दिन आता है, इस पेड़ से पता लगता है। 2-3 हफ्ता पहले पूरा सूख के पत्ता झड़ चुका था। ये देखो साइड में पूरा पत्ता झड़ चुका था, अभी पूरा ग्रीन है एकदम, देखने में मस्त लग रहा है। अब 2-3 महीने में आम लगने लग जाएगा यहाँ पे, उसको तोड़ के हम लोग खाएगा। क्योंकि इसका जो ये आम का पेड़ का जो ओनर है ना वो पूरा नीचे है, देखो तो नीचे से नहीं खा सकता है, सिर्फ उसका जो ट्रंक है ट्रंक ही नीचे से पकड़ पाएगा ओनर लोग। तो ये सीधे हम लोग का बालकनी में आके खट्टा मोटा इसका पेड़ तो हम लोग को मिलेगा, इसका आम मस्त रहेगा। सुबह हो गया तो बाहर कोयल कूक रहा है, ऑल थैंक्स टू कोरोना वायरस ना। टी चुकी पूरा आराम से सो, वाह राहुल उठ चुका है। और जो अभी अभी जो शूट कर रहा था बाहर में उसमें राहुल कैमरामैन था और वो अभी कपड़ा धो रहा है। ओके राहुल, मेरा भी धो एक दो धो देगा? आज पता नहीं कहाँ से मूड, कहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ से धूप, गलत जगह से धूप निकल गया, फील हो रहा है सर अंदर से वाइब्स आ रहा है। कुछ बोलना चाहेगा तुम अपना गुड हैबिट्स के बारे में? कुछ नहीं बोलेगा? गुड हैबिट्स, 7 बजे को उठ जाना है, उसके बाद जो जूता मोजा धोना है, उसके बाद 4 बजे उठा है। वाह अनबिलीवेबल हो गया, अनबिलीवेबल। कैसे कैसे कुछ प्रो टिप्स देना चाहेंगे आप? कुछ प्रो टिप्स बताएंगे? जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। वाह जल्दी सोइए बोले तो कितना बजे? 1 बजे। 1 बजे सोइए और 4 बजे उठिए। वाह क्या प्रो टिप्स है। अभी क्या कर रहा है तुम? कपड़ा धो रहा है? हो गया ना? हो गया क्या? हो गएगा आज तो मेहनती लड़का पूरा धूप का। अरे के कैसे कैसे लोग। रोल तुमको क्या लगता है कब तक चलने वाला है ये? जब तक अभी दवाई नहीं निकलेगा। दवाई नहीं निकलेगा तब तक तुमको क्या उम्मीद है कब तक ठीक होगा ये? जुलाई अगस्त तक चलेगा। तुम कैसा लग रहा है छुट्टी मिल के? नहीं तुमको कैसा लग रहा है, छुट्टी मिला है या फिर छुट्टी मिल के या फिर कोरोना वायरस का कुछ असर, मुझे तुमको क्या है, कैसा वाइब्स हो रहा है तुमको? छुट्टी मिला, खुशी लग रही है। छुट्टी का खुशी? कोरोना वायरस का जिससे डर लग रहा है, दुख लग रहा है। घर जाने तुमको हम जब घर जा बुलाता तुम लोग का तब क्यों नहीं गए? तो 31 का बस क्या पता था खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बंद होगा। अभी घर जाने मन कर रहा है, अब क्या घर जाने मिलने से चला जाएगा तुम? अभी नहीं जाएगा, अभी फैल गया ना बहुत चांसेस है, ट्रेन व्रेन पकड़ा है। अरे अभी डर हो गया ना। अभी आगे क्या करने का सोच रहा है? अब बाई चांस तुमको कोरोना वायरस पकड़ गया तो तुम क्या करेगा? क्या करेगा पकड़ लिया तो? बाय चांस ना हो लेकिन बाय चांस पकड़ लिया तो क्या करेगा?
सबसे पहले ये रूम छोड़ के निकल जाना क्योंकि हम लोग को ही पकड़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम देखो ना वाह, मेरा उंगली तेरा से बड़ा है, तेरा शरीर से बड़ा है, देखो तू क्या होगा ना, क्या बोलेगा ना, तेरा वाला फोटो दिखा देगा, वाला फोटो जिसमें तेरा पूरा रिप केस गिनती हो रहा है। कौन सा फोटो, कौन सा फोटो बताए बेटा, अपलोड कर दे, अपलोड कर दे, कर दो गड्डी की ना, मेरा तेरा फोन में डिलीट हो गया तो क्या हो गया, मेरा फोन में ले चुका है, हमको क्या सोचते है, तेरा से दो कदम आगे चलता भाई इंजीनियर इंजीनियर। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाला है, मीन्स आपके साथ शेयर करने वाला है, पहला बर्तन धोने का नुस्खा, बोले तो प्रो टिप्स। तो सबसे पहले बर्तन में से जितना कचरा है उसको अलग करना है, जो कि हम कर दिया है। दूसरा, हर बर्तन में थोड़ा थोड़ा पानी जमा कर देना है ताकि जो बर्तन में बचा हुआ खाना कचरा कुछ भी बचा हो वो नरम हो, तो हम लोग उसको आसानी से माँज के निकाल सकते हैं। ये हुआ दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है सबसे ज़्यादा, तीसरा स्टेप में आपको एक कटोरा लेना है और कटोरा में हल्का सा पानी आपका बर्तन का अनुसार, और विम जेल ये भी आपका बर्तन का हिसाब से, जितना ज़्यादा बर्तन उतना ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा विम जेल का, और इसके साथ रहेगा स्क्रबर, और इसको हौले हौले मिक्स कर दिया जाएगा, और फिर ये मिक्स होने के बाद मेन काम वो शुरू किया जाता है, इसको मांजना, इसको कहते हैं बर्तन मांजना। अब चौथा और आखिरी स्टेप, ये तभी मांजा हुआ बर्तन को है ना नल के सामने मस्त से रख के फाइल से बिना पानी के कंजूसी से आराम से धोना है और साइड में रखना है, धोना है और साइड में रखना है, और ये आपको तब तक करना है जब तक आपका बर्तन पूरी तरह से साफ और ख़त्म ना हो जाए। बर्तन धोते धोते हमको घर का याद आया, और घर से याद आया कि हम राहुल एंड प्रत्योन को हम बोला था कि अगर तुम लोग को घर जाना है तो जा सकता है, वैसे भी वो लोग कॉलेज बहुत दिन से ऑफ था क्योंकि वो लोग का मैं फेस्ट फिर पता नहीं वगैरह वगैरह फेस्ट एंड कुछ चल रहा था इवेंट्स, तो हम ये लोग को पहले घर जाओ बोला था लेकिन ये लोग नहीं गया। तो अभी क्या हो गया, भोपाल पूरा लॉकडाउन हो गया और अरुणाचल भी लॉकडाउन हो चुका है, तो ये लोग ना ही यहाँ से निकल सकता है ना ही घर पहुँच सकता है, और अभी तक हम लोग तीनों क्या है, हम लोग अलर्ट उतना 100% अलर्ट नहीं दे रहा था, अलर्टनेस नहीं दे रहा था अपना तरह से, जो कि बहुत बुरा बात था, लेकिन अब देना पड़ेगा क्योंकि भोपाल में 5 कंफर्म पॉजिटिव वायरस पाया गया है। तो ये सुनने के बाद अब क्या हो गया, और डर बढ़ गया हम लोग तीनों का ऊपर। वैसे तो हम जाने वाला नहीं था क्योंकि कॉलेज में मेरा इंपॉर्टेंट डे चल रहा था वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये लोग को जाओ बोला था, लेकिन क्या हो गया, ये लोग भी फंस गया अब, इसलिए कल करे सो आज करे सो अब उसके बाद पता नहीं क्या बोलता है, कब। नाउ इट्स खाना टाइम एंड खाना पक चुका है एंड ये पापड़ तला जा रहा है, ये तल के खत्म होने के बाद खाना खाना है। कमान कपड़ा पहन के आ रहे, नहीं तो बाद में तेरा इज्जत जाएगा। बस खाने में क्या क्या है, चावल है, पापड़ा है, दाल है, दाल है, बिगजोला मीन्स मिर्चा का अचार है, बिगजोला यार बिगजोला, एंड गोभी का सब्जी है, और कुछ स्पेशल टेबल फ्रतेवन कौन सा कंपनी है, फटे भाई कंपनी। ये सब तो था मेरा डेली का रूटीन जो नेसेसरी एसेंशियल है, और बचा हुआ टाइम में हम लोग क्या करता था अब खुद ही देख लो, हम लोग क्या करता था देखो आप। आईना गेम सुना होगा आप लोग, नहीं सुना है तो आईना गेम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आईना गेम, ये ऐसे आईना देख के ऐसे हम ठेका नहीं है ले रहे तुम, तो आपने बहुत सारे ब्लॉग में देखे होंगे
रहना पड़ रहा है मेरा हो गया चल दुकान लेके आए दुकान आउटर साइड यहाँ तक जाएगा कदा सब्जी दुकान संदीप भाई का दुकान खुला है कि नहीं खुला देख के आएगा लाठी नहीं तो तुम चलो लाठी आएगा तो मर जाएगा तुम चेक तो करना ही पड़ेगा ना कपड़ा पहनो चलो जाएगा देखेगा कोई दुकान खुला होगा तो कुछ राशन पानी लेके आएगा नहीं तो ऐसे वापस पानी तो टिक जाएगा एक दो दिन इसमें इतना आधा बचा हुआ है इसका ख़त्म है इसका सिर्फ आधा बचा है क्या क्या प्याज है प्याज अगर होगा तो लेके आएगा आलू लेके आना आलू इतने हैं ना नीचे आलू और मसाला में और कुछ नहीं दाल लेके आएगा मटर लेके आएगा और क्या चाहिए नमक वमक तो है ऐसा चीज़ लेके आएगा जो स्टॉक में रख सकें पैक्ड चिली पाउडर है मसाला चाय पत्ती भाई कोई चल रहा है ना पुलिस डंडा मारेगा तो हम लोग को हम तो पूरा चप्पल पल खोलेगा ऐसा स्पीड भरेगा ना कहाँ पीछे पीछे देखेगा ही नहीं और जो म्युनिसिपैलिटी वाला है ये वाला भी चल रहा है गाड़ी तो खुला हुआ था ओ खुला है तो यार देखो दुकान खुला हुआ है एक दो मुश्किल से वो आगे ठेला सब्जी वाला है म्युनिसिपैलिटी वाला सब्जी खरीद लेगा सब्जी पूरा ना कोरोना का टाइम में खतरों के खिलाड़ी बन के निकला है ना मटर है तो हम लोग बाय लक बाय होप सब्जी का दुकान खुला हुआ था क्या कह लिया गोभी और आलू और लौकी और कद्दू ऐसा मीन्स जो ज़्यादा दिन तक टिक सकता है वो सब्जी सब लिया है एंड हम वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पता नहीं शायद बहुत सारा ऑफिस बंद होता होगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला तो उस हिसाब उसका वजह से सब सर्वर में अटक गया है वो पैसा तो हम वो भैया को बोला है कि हम तो हमेशा आते जाता है तो कभी भी आके ले सकता है कभी भी आके दे सकता है तो हाँ ठीक माना है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके पे कैश लेके नहीं गया था ये तो हम लोग इसलिए निकले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया था लेकिन आप लोग का अगर ज़रूरी नहीं हो तो नहीं निकलो क्योंकि हम लोग भी बहुत दिन से बाहर नहीं निकले हैं ऐसा ज़रूरी पड़ गया इसलिए निकलने पड़ रहा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है घर से बाहर मत निकलो और बस आप खुद समझदार हो तो रूम पहुंच गया फीलिंग सेफ सबसे पहले हाथ धोना है क्योंकि कोरोना है अब हम आप लोग को ऐसा वायरस का नाम बताने वाला है जो कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है 1000 times ज़्यादा खतरनाक जो फिलहाल अभी कोरोना वायरस का चलते और भी बढ़ गया और ये जो वायरस है ना वो सीधा मेंटल पे जाके इफेक्ट करता है और ये वायरस फैलाने वाला और कोई नहीं इंडियंस ही है किसका ऊपर फैलाते जानते इंडियंस का ऊपर है और इस वायरस का नाम है रेसिज्म को पता नहीं ये रेसिज्म क्या होता है रेसिज्म मींस एक तरह से नेगलेक्ट करना हम लोग को फॉरेनर या फिर चाइनीज रिफ्यूजीज मानते हैं हम लोग को डिस्क्रिमिनेट करता है तो उसी को बोलते हैं रेसिज्म तो आज क्या हुआ हम अपना फेसबुक ब्राउज कर रहा था तो फेसबुक में एक केस देखा है दिल्ली में एक मणिपुरी लड़की रास्ता में से जा रहा था गुजर के तो एक आदमी एक बड़ा आदमी जिसके पास दिमाग है वो आदमी अपना गुटखा खा के उस लड़की मणिपुरी लड़की का ऊपर थूक देता है हम स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे स्क्रीन में आप चाहे तो देख सकते हैं उस लड़की का ऊपर थूक देता है और बोलता है कि कोरोना थूकने के बाद बोलता है कोरोना क्या है मतलब ये सकल भले चाइनीज से मिलता हो भले कहीं से भी मिलता हो इसको तो इंडियंस खुद को ऐसा करने लग जाएगा एक दूसरे को हेल्प करने छोड़ के मदद करने छोड़ के उल्टा ऐसा करने लग जाएगा तो फिर खत्म है खेल खत्म है और एक केस था ये वीडियो से में से देखा है फेसबुक में से उसमें क्या है कि मणिपुरी लड़की 3-4 का ग्रुप मणिपुरी लड़की रहता था एक रेंट पे तो रेंटलॉर्ड क्या किया जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है उसके बाद वो लोग को फोर्सफुली जबरदस्ती से रूम से बाहर निकल रहा है वो लोग घर से बाहर निकलने चाह रहा है तो ये क्राइसिस आने के बाद वो लोग कहाँ जाए मीन्स ये रेसिज्म ही हुआ ना ये डिस्क्रिमिनेट हुआ ना तो ये सब हो रहा है रेसिज्म और बढ़ गया है कोरोना का वजह से जबकि ये तो पहले से था रेसिज्म लेकिन अभी और भी बढ़ गया
तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को नॉर्थ ईस्ट के बारे में उतना आइडियाज नहीं है तो हल थोड़ा सा होने से भी आइडिया ले ले और अपना इंडियंस को पहचाने। एंड अगर आप जानते हो तो प्लीज़ दूसरा को बताइए कि ये रिफ्यूजी चाइनीस वगैरह नहीं है, अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि सबको मिल के एक साथ रहना है, बस उतना ही और कुछ नहीं। ज़्यादा लंबा लंबा डायलॉग फेंक रहा है। जो भी हो, अगर आपका 5 मिनट भी अगर हम एंटरटेनमेंट का साथ गुजारा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यार, आप समझदार है, लाइक करो सब्सक्राइब करो और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। पता नहीं जब तक ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा तब तक तो शायद मेरा अपलोड भी नहीं होगा शायद।